जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अब जो है ALP 2024 का अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप देख सकते हैं कि अब जो है जोन चेंज करने का जो टाइम लिमिट था 7 अगस्त 2024 तक था, तो अब वो टाइम चला गया है। तो अब आपको जरूरत है कि अब जो है आगे का क्या प्लानिंग किया जाए जिससे कि हम 2024 में ALP का एग्जाम पास कर ले, चाहे वो जोन आपका कोई सा भी हो। अब आपके अपने माइंड में जोन को लेकर के कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। जो भी टेंशन था 7 तारीख तक था, अब आपको सोचना चाहिए कि अब जो भी वैकेंसी हमारे जोन में है उसमें से एक पोस्ट मेरा है, ये आपको अपने माइंड में बिठा के रखना पड़ेगा। अब आपको अगले जो है जोन बदलने के बाद का प्लानिंग क्या होना चाहिए, यही इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो मैं नेक्स्ट 30 डेज मान के चलता हूँ कि ये आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं, मतलब आपका जो एग्जाम है वो एक महीना तो लगेगा ही, चाहे वो अगस्त के लास्ट में हो चाहे वो सितंबर में एग्जाम हो, लेकिन आपका एक महीने के बाद ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपको अब जो है कैसे तैयारी करना है कि उस एग्जाम को पास कर ले, तो आपको मैं शुरुआत करूंगा मैथमेटिक्स से, उसके बाद जो है रीजनिंग और साइंस, ठीक है, उसके बाद GK, ठीक है। तो आपको मैथमेटिक्स के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। मतलब आपको मैथमेटिक्स ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, इसको रटना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सवाल हल करो, चाहे वो आपका बुक से हो, प्रैक्टिस सेट हो से हो या फिर मॉक टेस्ट से हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अब आपका पूरा का पूरा फोकस यही पे होना चाहिए। और ये जो फोकस है ये मैथमेटिक्स से के साथ में रीजनिंग पे भी सेम फार्मूला अपनाना है, रीजनिंग पे भी सेम, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा अब आपको अपने जो है प्रैक्टिस सेट से मॉक टेस्ट से हल करना है, सिलेबस के चक्कर में नहीं पढ़ना है। और आपको अगर किताब आपके पास मिलता है ALP का क्वेश्चन बैंक तो ठीक है, नहीं तो आपके पास अगर ग्रुप डी या फिर NTPC या दूसरे एग्जाम RPF इनके भी अगर प्रैक्टिस सेट मिलते हैं तो आप उसको लेके आए और उससे तैयारी करें। यकीन मानो कि सारे एग्जाम में इधर का उधर रेलवे के सवाल रिपीट होते हैं, ये फार्मूला कोई नहीं बताएगा आपको। तो आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग इससे तैयार हो जाएगा। अगर आप सवाल हल करते हैं तो ये सवाल एग्जाम में सेम टू सेम नहीं आया, तो इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने से आपके माइंड को ये खोल देती है सब्जेक्ट की, उससे रिलेटेड कोई और सवाल आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो हो गया मैथमेटिक्स रीजनिंग। अब हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान, ठीक है। तो इसको वो जो है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करना है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक को, चाहे वो कुछ भी हो, आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इतने दिन से विज्ञान का सवाल भी हल कर रहा है, प्रैक्टिस सेट हल कर रहा है, तो आपको दिख जाएगा। तो वो जो है आपको हाईलाइट करना है और इसके भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट हल करना है, ज्यादा से ज्यादा सवालों को आपको जहां से मिलता है वहां आपके सामान्य विज्ञान के सॉल्व करना है, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है। सबसे ज्यादा वेटेज अगर ALP का एग्जाम में आता है तो ये है सामान्य विज्ञान पर, इस पे ज्यादा फोकस करना है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट यानी जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान, ठीक है, जिसको हम GK भी बोलते हैं, जनरल नॉलेज। तो इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, 10 क्वेश्चंस के आसपास इसके सवाल आने वाले हैं, लेकिन आपको कहाँ फोकस करना है, आपको रेलवे के GK का फोकस करना है। इसके साथ में इस समय जो भी खेल हो रहे हैं ओलंपिक के, या फिर आने वाले दिनों में जो भी हमें खेल देखने को मिलेंगे, उस करंट अफेयर्स को आपको रेडी करना है। इसके अलावा जो स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर है या फिर रेलवे के जो GK हैं,
पूछा है पहली बार ट्रेन कब चली, पहली रेल मंत्री पहली बार कौन थे, तो ये सब चीजें आपको सामान्य ज्ञान में तैयार करना है। इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत अब तो फिलहाल नहीं है। अच्छा, इसको टाइम कितना देना है पर डे? आपको इसको 2 घंटा देना है और इसको मैथमेटिक्स को, और 2 घंटा आपको इसको देना है, रीजनिंग को देना है, और सामान्य ज्ञान को आपको 1 घंटा देना है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करने की नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही है। तो ये हो गया हमारा सामान्य विज्ञान। अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान, तो इसको भी 1 घंटा दे दो, यानी कि अब जो है अब से 6 घंटा पर डे आपको इसको देना ही चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी स्ट्रेटजी कि कैसे हमारी एग्जाम की पढ़ाई करना है। अब बात करते हैं उसी एग्जाम को पास करने के लिए आपको स्कोर कितना लेना चाहिए, जिससे कि हम सीबीटी वर्ग को एटलीस्ट क्लियर कर लें। तो आपको बता दूं कि अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं, यानी यूआर में अगर आप आते हैं, तो आपको एटलीस्ट 40% 40% आपको लाना पड़ेगा अगर यूआर या ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप ओबीसी या फिर आप एससी कैंडिडेट है तो आपको 30% लाना पड़ेगा। किसका? आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं 60 मिनट के लिए, ध्यान रखना आपका जो है 75 का 30% जो है कितना होगा वो देख लेना, 40% कितना होगा वो देख लेना। अब हम एसटी की बात करें तो ये 25% पासिंग मार्क है, इससे कम मत करना, वरना आप पहली बात तो चाहे भले ही सीट खाली रह जाएगी, आप उस एग्जाम में ही फेल कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई कि मिनिमम मार्क, लेकिन आपको एटलीस्ट कितने स्कोर करने चाहिए जिससे कि उस एग्जाम को आसानी से पास किया जा सके। तो अगर आप यूआर में हैं, यानी सामान्य वर्ग में आते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये 45+ मान के चलना, इससे कम मत करना, इससे ज्यादा करना। आप चाहे तो 75 में से 70 भी कर सकते हो, कोई ये नहीं है आपके पास सवाल, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग रहती है। तो 1/3 निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको गलत सवाल नहीं करना है, वरना अच्छे से अच्छे धुरंधर लोग फेल हो जाते हैं उस निगेटिव मार्किंग के चक्कर में। निगेटिव मार्किंग आपको नहीं समझ में आता है कि क्या है, तो मेरे इसी चैनल पर निगेटिव मार्किंग क्या है उसको डिटेल में मैंने बताया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये तो हो गया यूआर का जो है कट ऑफ कितना, एटलीस्ट ये मेरा अनुमान है, आपका अनुमान कुछ और हो सकता है, और ये सिर्फ अनुमान है, ऐसा नहीं कि इतना ही जाएगा, ध्यान रखना। आप अपनी तैयारी अच्छे से करके रखना, बट मैं ये मिनिमम मार्क चलता हूँ कि 75 में से अगर आप 45+ करते हैं नंबर, तो आप यूआर में सीबीटी वर्ग में क्लियर कर जाएंगे। EWS की बात करूं तो आपको एटलीस्ट 40+ मान के चलना है, अगर आप यूआर EWS में आते हैं तो आपके मार्किंग इतने होने चाहिए। ओबीसी में अगर आप हैं तो ये आपके मार्किंग 37+ होने चाहिए, और एससी में आते हैं तो आपका मार्किंग 35+ होने चाहिए, और अगर आप एसटी है तो 30+ मान के चलना, किसी भी जोन में है। तो ये हमारा एक वीडियो था जो कि अब जो है अगला आपका स्टेप क्या होगा, एग्जाम को लेके तैयारी क्या होगी और सेव स्कोर क्या होगा, ताकि आप इसको माइंड में रख के अब अपनी तैयारी आप करें। तो ये इसमें अगर आपको कुछ और भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट करना और मैं रिप्लाई करूंगा, आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन करिए, मोटिवेट करिए, मैं इसी तरीके से आपको मोटिवेट करता रहूंगा, एग्जाम पास करने के लिए आपको बूस्ट करता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।